अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आरोप लगाया है कि हिंदू नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। विश्व हिंदू महासभा के नेता रंजीत बच्चन की हत्या के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ये बयान सामने आया। रविवार को लखनऊ में विश्व हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो आज तड़के सुबह रंजीत बच्चन की हत्या कर दी गई। खबर ये सामने आ रही है कि वो सुबह सुबह पार्क में टहलने गए थे और उसी पार्क में उनकी हत्या कर दी गई। बाइक सवार आकर रंजीत बच्चन को गोली मारकर चले गए। तो आज तड़के सुबह रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है, रंजीत बच्चन को जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई है, इस खबर पे ताजा अपडेट अब क्या सामने आ रही है? देखिए, इस समय हम हजरगंज कोतवाली में खड़े हैं, जहां पर ज्वाइंट सीपी नवीन अरोड़ा और डीसीपी दिनेश सिंह जो रंजीत बच्चन के साथ टहल रहा था आदित्य श्रीवास्तव, उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि उसको भी गोली लगी थी और पूरे जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी ले रही है। और साथ ही साथ उसके एक और मित्र जो कल ही गोरखपुर से लखनऊ आया था, पटेल बताया जा रहा है, वो अपनी पत्नी के साथ आया था, वो भी उससे पूछताछ चल रही है। फिलहाल पुलिस की कवायद है कि जिस तरह से पूरी घटना घटित हुई है, आदित्य से पूछा जाए कि आखिरकार घटना कैसे घटी है, क्योंकि आदित्य का साफ तौर पे कहना है कि एक व्यक्ति आता है, वो शॉल ओढ़ के आता है, पहले वो मोबाइल छीनता है, चैन छीनता है, उसके बाद गोली मार देता है। जो लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, जहाँ इस तरफ पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है, वहीं पर रंजीत बच्चन के जो घर है OCR में, वहाँ पर उसके जो समर्थक हैं वो लगातार हंगामाबाजी कर रहे हैं, पुलिस से झड़प भी कर रहे हैं कि जो रंजीत बच्चन की पत्नी है उसको वहाँ पर लाया जाए, मौके पर लाया जाए, और उसके साथ जो न्याय की मांग है वो करने के लिए लगातार डिमांड कर रहे हैं उनके समर्थक। और क्योंकि नवीन जो रंजीत बच्चन है उसकी पत्नी को पुलिस पूछताछ भी उससे भी कर रही है कि आखिरकार कोई और एंगल तो नहीं है, क्या किसी प्रकार का विवाद था। क्योंकि जब हम पूरी घटना की बात करें तो सुबह 6:30 बजे रंजीत बच्चन अपने मित्र आदित्य श्रीवास्तव और अपनी पत्नी कालिंदी के साथ टहलने निकला था, और कालिंदी कुछ ही दूर पहले ही वो दूसरे रास्ते में टहलने निकल जाती है और रंजीत और आदित्य दूसरे रास्ते पे, उसी के बाद जो अपराधी हैं वो पीछे से आते हैं, सॉल ओढ़ के पैदल ही आते हैं और उसको रंजीत बच्चन को गोली मार देते हैं। आदित्य श्रीवास्तव के भी हाथ में गोली लगती है, जिसके बाद आदित्य श्रीवास्तव की उपचार कराने के बाद लगातार पुलिस पिछले 2 घंटे से पूछताछ में जुटी है, हर एंगल की जांच की जा रही है। इसी से जो हमारे पीछे ज्वाइंट सीपी का कार्यालय है, इसी के अंदर आदित्य श्रीवास्तव को बैठा कर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार घटनाक्रम क्यों हुआ था, वो क्यों कल गोरखपुर से रंजीत बच्चन के घर आता है, क्योंकि वो अपने मित्र एक पटेल हैं उसके साथ और उसकी पत्नी के साथ आता है। जानकारी ये भी बताई जा रही है कि आदित्य श्रीवास्तव अपने दोस्त जो पटेल है उसकी बीवी को लेकर आता है, इसलिए क्योंकि रंजीत बच्चन ने कहा था कि उसकी पत्नी को नौकरी लगानी है, तो नौकरी कहाँ लगनी थी, किसके लिए लेके आया था, उन सब पहलुओं पर बातचीत चल रही है, पूछताछ हो रही है। माना जा रहा है, पुलिस का दावा भी है कि अलग अलग मामलों में पूछताछ होनी है। तो इधर कुछ लोग और आए हैं जो रंजीत जो बच्चन हैं उनके साथ में सहयोगी हैं, वो लगातार यहाँ पर हंगामेबाजी कर रहे हैं और इस समय JCP कार्यालय आए हुए हैं, जहाँ पर उनसे हर पहलू में बातचीत होनी है कि आखिरकार वो रंजीत बच्चन का बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि वो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद विश्व हिंदू संगठन का नाम का एक अपना संगठन बनाते हैं। तो हर पहलू में जांच चल रही है, पुलिस बैकफुट में है, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जहां पर घटना घटी है वो विधानसभा लोकसभा हाई सिक्योरिटी जोन से महज 1 किलोमीटर दूरी पे था, वहां पर सिविल कोर्ट भी है, पहले हाई कोर्ट हुआ करते थी, यानी कि हाई सिक्योरिटी जोन में अगर इस तरह से घटना घटी है, वो भी दिन दहाड़े। और कमिश्नरी सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं कि लगातार पुलिस बल बढ़ा है, उसके बावजूद अपराधी अगर इस तरह से सुबह तड़के घटना घटित करते हैं, तो लोग जो शहर के लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, उनके बीच में भी दहशत कायम होगा और घर से बाहर कोई मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकलेगा।
इसी के चलते पुलिस विभाग ने, पुलिस कमिश्नर ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, जिसमें संदीप तिवारी चौकी पे भारी हैं और पीआरवी के 2 सिपाही और एक वहां पे चौकी पे मौजूद एक सिपाही था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही अगले 2 से 3 घंटे में खुलासा भी होने की उम्मीद है। लेकिन पुलिस से जो व्यक्ति उनके साथ आया था उनसे पूछताछ कर रही है। देखिए, एक व्यक्ति को अभी लेके गई थी पुलिस पूछताछ करने के लिए कि आखिरकार वो कौन था, जो पटेल था वो क्यों आया था अपनी पत्नी को लेकर। आदित्य श्रीवास्तव था, वो टहलने के हर बार जाता था या आज ही उसने शुरुआत की थी जाने की। उसकी पत्नी ने अलग रूट क्यों पकड़ा था, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर पुलिस जानकारी ले रही है। और आदित्य श्रीवास्तव जिसको, जो साथ में था रंजीत बच्चन के, उसको जेसीपी अपने पास बैठा कर पूछताछ कर रही है, गहन पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से मामले थे, जिसमें गोरखपुर में विवाद चल रहा था उसकी पहली पत्नी से, यहाँ पर उसकी पत्नी से कैसे संबंध थे कालिंदी से, कालिंदी और पत्नी के अलावा कोई और कोई एंगल हो सकता है। तो पूछताछ चल रही है। फिलहाल आगे अभी देखने वाला होगा कि पुलिस कितने जल्दी नतीजे पहुँचती है, जो अपराधी हैं उनको पकड़ पाती है। जी बिल्कुल गगन, आप नजर बनाए रखें, आप मौके में मौजूद है। गगन, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से मौके पे वहां मौजूद है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, घर वालों से पूछताछ कर रही है, उनके दोस्त सगे संबंधित जितने भी लोग हैं वो उनसे पूछताछ कर रही है, लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो चल रहा है। पर आपने एक अहम बात ये कही कि पार्क के आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे थे उसकी छानबीन की जा रही है, तो माना यह जाए कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो चल जरूर रहा होगा और उससे ये सामने निकल के आ जाएगा या जो भी आरोपी है उसकी पहचान कुछ ही देर के बाद हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ही पूछताछ कर रही है आदित्य श्रीवास्तव से, और लगातार जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो सभी चल रहे थे। कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद भी हैं और जो घटना स्थल था उसके सामने जो सीसीटीवी लगा हुआ था वो भी अब पुलिस को मिल गया है। और माना जा रहा है कि जो व्यक्ति था या नहीं था अभी फिलहाल ये तो गुप्त रखा जा रहा, अभी कोई बात बाहर नहीं की जा रही है, क्योंकि पुलिस के कई सूत्रों के मुताबिक ये बिल्कुल आप मौके मौजूद हैं, आप इस खबर पे नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया गंगन, तमाम अपडेट के लिए।